हेलो फ्रेंड, नमस्कार, वेलकम टू आपके गार्डन। तो आप सब कैसे, अच्छे होंगे, ठीक होंगे, मस्त होंगे। बोलने में जो भी गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा, पैर छूकर धन्यवाद कर रही हूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को कुछ खास बताने जा रही हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा और वीडियो में बने रहिएगा। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं आज क्या करने वाली हूँ। तो जैसे फ्रेंड कोई भी प्लांट में दिखाती हूँ, जैसे फ्रेंड कोई भी प्लांट होता है हमारा, ये गुड़हल को हो गया और ये गुलदावरी हो गई और बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें कीड़े अटैक करते हैं इस समय, जैसे चींटी हो गई और मिलीबग हो गया और छोटी छोटी जो काली काली माहू होती हैं फ्रेंड, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हमारे प्लांटों को अटैक करते हैं। तो इसकी वजह से हमारे प्लांट में फ्लावर भी छोटे आने लगते हैं, पत्तियाँ भी ख़राब होती हैं और प्लांट हमारा ग्रोथ भी नहीं करने लगता। और धीरे धीरे जैसे चींटी लग जाती है, फिर धीरे धीरे हमारा प्लांट ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो देख सकते हैं फ्रेंड, जैसे ये मेरी गुलदावरी है, तो मैं इन सब में अपना यही उपाय करती हूँ जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो देख सकते हैं मेरी गुलदावरी में एक भी इसमें कीड़े नहीं लगे हैं और फ्लावरिंग देखिए आप, फ्लावर आ रहे हैं ना, देख सकते हैं आप, आपकी गुलदावरी में आ रहे हैं कि नहीं। देखिए मेरी गुलदावरी में तो अभी तक फ्लावर आ रहे हैं, बिल्कुल छोटी भी है और इससे भी फ्लावर आ रहे हैं। और जैसे मिली, जैसे फ्रेंड गुड़हल है, गुड़हल में व्हाइट व्हाइट मिली बग लगती है, मेरे में तो नहीं है, साफ है, देख सकते हैं आप, कहीं भी आपको नज़र नहीं आएगी। नीचे हाँ, गैली में जो रखे मेरे रेलिंग के पास, उनमें से थोड़ा बहुत मिलीबग आ जाती है, लेकिन छत में जो मैं रहती हूँ तो इनमें से मैं ज़्यादा केयर करती हूँ। वहाँ बैठने के लिए जगह नहीं मिलती ना, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा कम ध्यान दे पाती हूँ उनमें से, लेकिन मैं ध्यान उनमें भी देती हूँ, ऐसा नहीं कि ध्यान नहीं देती हूँ। उनमें भी हर मतलब जो मैं इसमें करती हूँ दवा, उसमें भी वही चीज़ करती हूँ फ्रेंड। तो जैसे देख सकते हैं आप, ये छोटा ये है, ये मिलीबग, और देखिए यहाँ पे ये है ना। तो इसको निकालने का उपाय फ्रेंड ये है ना, चिपके रहते हैं तो हमारे प्लांट की जो भी शक्ति होती है ये धीरे 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 इनसे नष्ट होती जाती है फ्रेंड। ये खाते रहते हैं, चिपके रहते हैं हमारे प्लांट में, और चींटियाँ भी इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, तो चींटियाँ भी इस समय बहुत ज़्यादा लगती हैं प्लांटों में। तो इन सबको बचाने के लिए मैं एक उपाय लेकर आई हूँ, तो आप लोग वीडियो को पूरी देखिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। तो फ्रेंड मैं बता रही हूँ कि इसको तो आप जानते ही हैं, इसको तो आप जानते ही हैं फ्रेंड, ये है क्या, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये है लक्ष्मण रेखा फ्रेंड। और लक्ष्मण रेखा बहुत कारगर है फ्रेंड। अगर आपके प्लांट में चींटी लग रही है फ्रेंड, तो आपको करना क्या फ्रेंड, वैसे तो आपके बालों में जुआ है तो इसका घोल बना के आप अपने बालों में लगा ले, तेल मिला के, तेल में मिक्स करके इसको लगा सकते हैं, तो जुएं आपके बालों से हट जाएंगे। तो फ्रेंड इसे हमारे जैसे घर में हमारे किसी भी सामग्री में चींटी या लग जाती है तो हम इसी को खिंचाते हैं, खिंचाते कि नहीं खिंचाते आप लोग सच में बताइएगा, क्योंकि सभी लोग इसको जानते हैं, सभी लोग इसको अजमाते हैं, सभी लोग इसको ट्राई भी करते हैं, सभी के घर में ये मिल जाता है। तो फ्रेंड हमें करना क्या है, इसको हमें निकालना है, आप लोगों को दिखा दे रही हूँ फ्रेंड। जैसे मीठा कुछ चीज़ नमकीन है, कुछ भी गिर जाता है तो ये तुरंत चींटियाँ आ जाती हैं, चाहे जितना पक्का घर हो फ्रेंड, चींटियाँ आ ही जाती हैं। तो हमें करना क्या है, देख सकते हैं मैं इसको निकाल रही हूँ इसे पास से, इसको इस तरह से इसको पन्नी हटा करके, जैसे आपका ये प्लांट है, बता दे रही हूँ आपको, तो जैसे ये आपका प्लांट है फ्रेंड और इसमें बहुत ज़्यादा चींटियाँ हैं, तो पहली बात तो आपको ऐसे ऐसे इसके चारों तरफ ऐसे 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 इस तरह से राउंड कर देना है, ऐसे राउंड कर देना है, देख सकते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, जहाँ पे आपके प्लांट रखा है तो आपको इस तरह से ज़मीन में से ऐसे गोला कर देना है, गोला करने के बाद आपको प्लांट को ऐसे रख देना है। तो फ्रेंड एक बात तो हो गई ना, नीचे से चींटी जा पाएंगी और ना ही ऊपर से जा पाएंगी, अगर लगी हैं तो ये यहीं पे इसको आपको करना क्या है, ये थोड़ा थोड़ा ऐसे करके और इस तरह से आपको यहाँ पे थोड़ा 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 इस तरह से डाल देना है। डालने से क्या होगा कि जो भी चींटी होगी फ्रेंड, तो ये यहीं पर नष्ट हो जाएंगी, मर जाएंगी, मतलब मेरे कहने का मतलब। तो इस तरह से फ्रेंड आप यहाँ भी इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े बारीक करके मिक्स करके आप इसको पीस भी सकते हैं और इसका थोड़ा सा पाउडर बना के इसको डाल सकते हैं, इससे आपकी चींटियाँ ख़त्म हो जाएंगी। और नीचे से जैसे आ रही हैं, तो जैसे आपने इसको खिंचा दिया, ये एक छोटी सी चींटी देखिए चल रही है, तो ये देख से जैसे लक्ष्मण रेखा ये पार करती हैं, सूंघ लेती हैं, तो ये धीरे से फिर ख़त्म हो जाते हैं फ्रेंड। और जैसे यहाँ पे चींटियाँ हैं, तो फिर चींटियाँ लक्ष्मण रेखा पार नहीं करेंगी, वो ख़त्म हो जाए, जैसे इसको सूंघ लेती हैं वैसे ही फिर उनका धीरे धीरे असर जैसे करता है तो वो चींटियाँ नष्ट हो जाती हैं। इसलिए फ्रेंड लक्ष्मण रेखा हमारे प्लांटों के लिए बहुत लाभदायक है, तो आप लोग चींटियों के लिए आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। एक तरीका मैंने ऐसे बता दिया, एक तरीका मैंने ऐसे, दो तरीका हो गया, तीसरा तरीका फ्रेंड ये है कि आपको इसको क्या करना है, पानी में घोल लेना है। घोलने के बाद आपको करना क्या है,
आप एक स्प्रे पंप में भर के और अपने प्लांटों में छिड़काव कर देना फ्रेंड। मेरा स्प्रे पंप तो नीचे रखा है, मुझे भूल ही जाता है कुछ सामान। मैं जब वीडियो बना लगती हूँ तो कुछ ना कुछ सामग्री मुझे नीचे से भूल ही जाती है। जब मैं दो बार तीन बार जाती हूँ फ्रेंड तो मैं थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा। अभी मैं आई थी छत में तो मुझे याद आया कि मैं ये वाले वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं इसको ट्राई करती रहती हूँ। तो ये तो यहीं पर रखा था तो इसलिए मैंने आपको ये वीडियो बना दिया। लेकिन मेरा स्प्रे पंप नीचे है तो मैं आप लोगों को ऐसे घोर के बता दे रही हूँ फ्रेंड। ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को डाल के दिखाऊंगी, नहीं, जो मैं ट्राई करती हूँ वो मैं वही मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। तो मैं कहाँ गया मेरा जग, कहाँ गया दैया, अब उसको ढूँढें एक मिनट फ्रेंड। तो जैसे मैंने इसमें पानी लिया फ्रेंड और इसको धीरे धीरे देखिए इस तरह से मैं तोड़ रही हूँ, इस तरह से इसको तोड़ करके ये देखिए ये यहीं पर रखी रहती है ना, तो ये गीली सी हो गई है हल्का हल्का। तो इस तरह से देखिए इसको पानी में ऐसे मिक्स कर लेना फ्रेंड, इस तरह से इसको पानी में मिक्स कर लेना है और फिर इसका कलर चेंज हो जाएगा। इसके बाद आपको करना क्या है, जैसे ये पत्तियाँ हैं इन पत्तियों में आपको छिड़काव कर देना है। जहाँ पे मिलीबग लगा है तो आपको छिड़काव कर देना है, तो ये मिलीबग हट जाएंगी फ्रेंड। ये बहुत सर्दियाँ दवा है फ्रेंड, तो आप लोग घरेलू नुस्खा है फ्रेंड और फ्री का है, ना ज़्यादा पैसे भी लगना, 10-20 रुपए में खूब आराम से मिल जाएगा फ्रेंड। तो आप लोग इस तरह से पत्तियों में इसको कर सकते हैं। तो आप लोग बताइएगा ये मेरा तरीका आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंडों, और आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। ये चीज़ें हैं फ्रेंड घर से हैं, अगर हमारे यहाँ पे प्लांटों को बचाना है तो ये सब हमें ट्राई करना पड़ेगा और ये ज़रूर अप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि आप जानते ही हैं कि ये राउंड करने से चींटियाँ इसमें से नहीं जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। देख सकते हैं ये चींटी ने सूंघ लिया, तो देखिए किस तरह से इसका काम हो, देखिए लुढ़ुक रही है ना। तो इस तरह से आप जहाँ भी इसको खिंचा देंगे तो आपके प्लांट में चींटी नहीं जाएंगी, ये मेरी 100% फ्रेंड। आप लोग सभी जानते हैं, मुझे बताने की कोई वो नहीं है कि मैं कुछ खास बता रही हूँ फ्रेंड, आप सभी जानते हैं। लेकिन मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि जो भी नहीं कर रहे हैं तो ये ज़रूर अप्लाई करें इसको, इससे आपके प्लांट में चींटी नहीं जाएंगे फ्रेंड। ये मिट्टी में लगी हों या किसी भी चीज़ में लगी हों, आप इसको राउंड कर दें तो सर्कल बना दें तो फ्रेंड किसी में चींटियाँ नहीं जाएंगी और आपका प्लांट भी सेफ बच जाएगा और इस तरह ग्रोथ करता रहेगा। आप मेरी गुलदावरी से अंदाज़ा लगा लीजिए, देख सकते हैं ना कोई कुछ कीटाणु है इसमें, ना तो मिलीबग है, ना तो कोई फंगस है, ना तो क्या कहते हैं एक जो काले काले माहू लगते हैं वो भी नहीं है, जिसे लीची बोलते हैं फ्रेंड, जो चिकना चिकना सा होता है प्लांटों में चिपक जाता है फ्रेंड, वो भी नहीं लगा। देख सकते हैं फ्लावर कितना खूबसूरत लग रहा है ना। तो मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। बाय बाय, लव माय गार्डन, लव माय फ्रेंड। और हम वीडियो कहीं पे समाप्त करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, तो फिर आप लोग कहेंगे कि वीडियो बहुत बड़ा बनती, तो इसलिए फ्रेंड बाय बाय, लव यू। अब मेरी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और आप भी ज़रूर ये ट्राई करिएगा क्योंकि ये बहुत अच्छी दवा है। तो प्लीज़ मेरा चैनल भी ग्रो हो, सभी का चैनल ग्रो हो, सभी आगे बढ़े। मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंडों प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, मेरे प्यारे प्यारे बहनें जो भी मेरी वीडियो देखती हैं सभी से नमस्ते, सभी को लव यू, लव यू माय गार्डन, लव यू फ्रेंड। और सभी का चैनल ग्रो हो, मेरी बहनें जितनी भी वीडियो बनाती हैं मेरी वीडियो देखती हैं सभी का चैनल ग्रो हो, और जो भी बनाती हैं सभी आगे बढ़े, क्योंकि मेहनत सभी करते हैं। देखिए मेहनत सभी करते हैं, मेहनत में ये नहीं कि कोई कम कर रहा है, क्योंकि जो भी प्लांट बहने लगाई हैं ना उनके दिल से पहुँचे, वो प्लांट को भी देखभाल करती हैं और प्लस अपना घर संभालती हैं, प्लस अपना घर का काम करती हैं, अपने बच्चे संभालती हैं। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि सभी का चैनल ग्रो हो और सभी बहनें आगे बढ़ें, क्योंकि मेहनत सभी करती हैं। तो बाय बाय, लव यू, पैर छूकर धन्यवाद कर रही हूँ। तो बाय बाय।